करना पड़ेगी बीमारी हमारे यहाँ। और ये भी मैं मानता हूं कि टेलीविजन में डिबेट कराने वाले भी बेचारे जो हैं उनके पास भी लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है। अभी कल परसों मैंने देखा आसाम के अंदर ये जो जिहाद फैक्ट्रियां हैं, जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तो कोई 4000 वहां जिहादी मदरसे थे, अब वो भड़कर के 4 लाख हो गए। ऐसी हमारे देश में मदरसे हैं ये, और यहां क्या, अरे साहब मदरसों में तो हम मुल्क की शान, मुल्क के वकार के बारे में पढ़ाते हैं, मुल्क हमारी साझा जो संस्कृति उसके बारे में पढ़ाते हैं। वहां कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती, वहां एक ही काम होता है जिहाद। तुम्हारा आखिरी मकसद क्या है? गजवाए हिंद। तुम्हारा गोल क्या है? निजामे मुस्तफा। अब आपको बेवकूफी के नारों में फंसा करके कि हम चाहते हैं आजादी, हम चाहते हैं कश्मीर में आजादी, तो आजादी की लड़ाई तो कश्मीर में नहीं लड़ी जा रही थी, अब पता चल गया वहां तो मजहबी लड़ाई चल रही थी। इसलिए उन मजहबी उन्मादों ने कैसे आपके संविधान में और हिंदुस्तान के बौने नेताओं को मूर्ख बना करके कैसे धाराएं जोड़ दी। लिहाजा मैं बार बार एक बात कहता हूं कि आप सच को सच तो समझें पहले भाई। आप जब मैदान में उतरते हैं, हॉकी का खेल हो, फुटबॉल का खेल हो, क्रिकेट का खेल हो, तो आप उस, जब आप बैटिंग करने जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि ये जो बॉलर है ये 100 किलोमीटर की स्पीड से जब बॉल फेंकेगा तो मेरे पास प्रॉपर गार्ड है, प्रॉपर मेरे लेग गार्ड्स हैं, प्रॉपर मेरे ग्लव्स हैं, प्रॉपर मैंने हेलमेट, ये करके जाते हैं कि नहीं जाते हैं? हॉकी खेलते जाते हैं तो आपका शिन पैड लगा होता है, आपको पता होता है कि दुश्मन कहां कहां कमजोर जगह अटैक कर सकता है, तो आप पूरे गार्ड होकर उतरते हैं। लेकिन सनातनी हिंदू और हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने वाले लोग अपने लोगों को जो पूरी ताकत जो उनके साथ खड़ी है उसको वो बताते ही नहीं है कि तुम्हारे यहां मैदान में उतरने से पहले चैलेंज क्या क्या है। इसलिए वो प्रधानमंत्री के कहने से, राजस्थान में एक युवक थाली बजा रहा था, दो जिहादी मुसलमानों का नागवार गुजरा, उसको उन्होंने, आप यकीन मानिए, कुल्हाड़ी से उस वक्त तक मारते रहे जब तक वो मर नहीं गया। यह खबर नहीं बनी। उसकी गलती यह थी कि वो थाली क्यों बजा रहा है, वो मोदी की बात क्यों सुन रहा है, और थाली बजाना हिंदुत्व का एजेंडा है और इस्लाम के एजेंडे में तो थाली नहीं बजाई जाती, वहां तो कुछ और बजाया जाता है। तो हम इन खतरों का सामना जब ही कर सकते हैं जब हम उसको समझें वो है क्या और हमारा अप्रोच क्या है। क्या हम सही जानकारी के साथ मैदान में उतर रहे हैं? क्या हमें पता है? क्योंकि हम तो इसमें खुशी, इस बात में खुश रहते हैं ना कि किसी ने कहा अरे नहीं हम सब भाई भाई, अरे बस आप भाई भाई हो गए तो संबल में भाई भाई नहीं बचा, तो भाईचारे में चारा खत्म हो गया, भाई है वहां पर। तो इस देश में 500 कश्मीर बन चुके हैं और अब आप लड़ना चाहते हैं, तो सारी लड़ाई आप सरकार से आते हैं कि अमित शाह जो है ये भी कानून बना दे, मोदी ये भी कानून कर दे, आप क्या करेंगे? उनकी तो सरकार नहीं है, वो तो सरकार से नहीं कहते कानून बना दे, वो एक बार निकलते हैं सड़क पर सरकार डर जाती है। और आप देख रहे हैं कश्मीर में सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं, वैसे आपस में लड़ते, वो आपस में तो लड़ते रहते हैं लेकिन जब आपका एजेंडा आता है तो सब आपको ब्लैकमेल करते हैं। 70 साल से वो मक्कार जिसका बाप गद्दारी के जुर्म में, जिसे नेहरू ने जेल भेजा था, शेख अब्दुल्ला गद्दार का बेटा चीफ मिनिस्टर बन जाता है, उस गद्दार का बेटा भी चीफ मिनिस्टर बन जाता है, और देश का पहला गृह मंत्री मुसलमान जिसने हजारों हिंदुओं का कत्ल करवाया उसकी बेटी मुख्यमंत्री बन जाती है। तो हमें सत्ता चाहिए, पैसा चाहिए, रुपया चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारी चोटी काट दो, हमारे मंदिरों को ध्वस्त कर दो, हमारी बहन बेटी के साथ छेड़छाड़ कर दो, हमारे बेटे को सड़क पे मार दो, हमें क्या फर्क पड़ता है? चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है ठीक है। हम तो वो लालची लोग हैं जो जीना भी मर मर के चाहते हैं। ये इसीलिए दिल्ली में 18 साल के लड़के राहुल राजपूत की हत्या हो गई। मैं कह रहा हूं हत्या का बदला आप नहीं लेना चाहते, लेकिन इस हत्या का चर्चा इतना होना चाहिए था कि दोबारा कोई आपको जब मारता तो वो डरता कि पूरी दुनिया में 100 करोड़ हिंदू यहां रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, चारों तरफ से दबाव बनेगा, तो नहीं आप करते? क्योंकि आप भी निजी एजेंडों में हलके हुए हैं। हम जब सनातन की बात करते हैं तो हम उसमें दलित भी, ब्राह्मण भी, ठाकुर भी, सब हमारे लिए एक लाइन में खड़ा हुआ है।
हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर लड़ाई लड़नी है तो अपने अंदर की गंदगी को भी साफ करना होगा। आप अपने अंदर की गंदगी, जातिवाद को सबसे, ये मैं ऊपर हूं ये नीचे है, आप ये करते रहिए और हिंदुत्व का ड्रामा करते रहिए। कोई सरकारें देश बचाती हैं, राष्ट्र नहीं बचाती। जब इतने कायर, इतने डरपोक और लालची लोग होंगे तो सरकारें भी सोचती हैं, भाई हमको चुनाव जीतना है, सरकार में तब रहेंगे, तब कुछ कर पाएंगे ना, तो पहले हम क्या करें। तो जो सबसे ज्यादा चिल्लाता है सरकार उसकी सुनती है। घर में भी जो बच्चा सबसे ज्यादा शैतान होता है, मां उसकी पहले सुनती है। तो आप रोना भी नहीं चाहते, चिल्लाना भी नहीं चाहते, आप कुछ नहीं, आपके पास इतने गैर जरूरी इश्यूज हैं कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव फैसलों पर बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन कोई ऐसा फैसला जो हजारों साल तक एक दूरगामी फैसला होगा, जिससे हजारों साल आने वाली नस्लों पर फर्क पड़ेगा, आप उन इश्यूज को मुद्दा नहीं बनाते। आपका ये मुद्दे नहीं होता, आप उनके मुद्दों में फंस जाते हैं। और वो क्या करते हैं, वो न सत्ता में है न व्यवस्था में है, लेकिन उन्होंने अपनी सामूहिक ताकत, जो ताकत आपके पास 100 करोड़ की है, 90 करोड़ की है, 95 करोड़ की है, 98 करोड़ की, जो भी है, आपने उस ताकत का अपनी जगह बैठे बैठे बिना घर से निकले भी आपने अपनी उस सामूहिक ताकत को पहचाना ही नहीं, क्योंकि आपके लोगों ने आपको पहचानने नहीं दिया। उन्होंने कहा इनको मूर्ख बना के रखो, इन्हें कोई सच बात मत बताओ, हम खुद कुछ गंदगी में इन्वॉल्व है वो भी मत बताओ, हमें महान दिखें बस जीवन में। अरे साहब क्या कमिटमेंट है साहब, सब कुछ छोड़ दिया है जीवन में हमने, भाई उसका फायदा क्या हुआ। केरल के अंदर कितने संघ के कार्यकर्ता मार दिए गए, आए दिन ये घटनाएं सुनते, पुलिस अपना काम करती है। तो पुलिस तो वैसे ही काम कर रही है जो पिछले 100 साल से कर रही है। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस कल मुलायम सिंह के लिए खड़ी हुई थी, आज मुख्यमंत्री बदल गया, उनका चरित्र तो नहीं बदला, तो ब्यूरोक्रेसी का चरित्र नहीं बदला। मुझे मालूम है कि उत्तर प्रदेश में जो ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सट्रीम सेकुलर बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। कभी आपने सुना कि देश में कोई मुद्दा उठ रहा हो, जैसे सुरेश चौहान के ने एक मुद्दा उठाया यूपीएससी जिहाद का, हिंदुस्तान का आईएएस पीसीएस आईआरएस जो जुडिशरी में थे, जो पुलिस में थे, सबने मुसलमान के नाते चिट्ठी लिखी कि देखिए साहब मुसलमानों के साथ ऐसा गलत हो रहा है, ये गलत किया जा रहा है, ऐसा नहीं हो। वो मुसलमान है, उस शपथ लेने के बाद भी कभी आपने सुना कि देश के 150 बड़े ब्यूरोक्रेट ने इस बात के लिए चिट्ठी लिखी हो प्रधानमंत्री को कि कश्मीरी हिंदू पंडितों को 2500 को मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई, उनके हत्यारे सड़कों पे घूम रहे, उनको जिंदा पकड़ा जाए। किसी ने चिट्ठी लिखी? हिंदुओं इंटेलेक्चुअल ने भी नहीं लिखी, और जो बड़े विद्वान बने घूमते हैं, बड़े बड़े संगठनों के ठेकेदार, उन्होंने भी नहीं लिखी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे हम जब अपने आदमी की कदर नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा यार। किसी और कौम के 2500 लोग मर जाते तो वो उस वक्त चिल्लाते रहते जब तक उसका 100% भरपाई न करते और आपके दामन पे वो दाग लगा के रखते। और वो ये जानते हैं कि कौन हमारे लिए 2 कदम फायदेमंद होगा और कौन हमारे लिए 4 कदम फायदेमंद होगा, वो इस अंदाज में अपना काम करते। इसलिए मैंने कहा वो गुलाम नबी हो, वो आजम खां हो, वो अजमल हो, वो असदुद्दीन ओवैसी हो, वो जहां जहां भी बैठे हैं उनका अपना एजेंडा है, उनके अलावा उन्हें कोई मतलब नहीं है। आप जीएसटी क्या दे रहे हैं मत दीजिए, आपने सरकार को क्या किया, आपने एम्प्लॉयमेंट पे किया, उनको कोई एजेंडा नहीं है। उनका मतलब है कब्जा सच्चा झगड़ा झूठा, मार पीछे पुकार, मार लो फिर देखते रहेंगे, फिर आएंगे वो पुलिस आई गिरफ्तार हो गए फलाने हो गए। इसलिए सब जगह वो यही काम करते हैं, भीड़ तंत्र की तरह निकलते हैं, हत्या मर्डर कर देते हैं, फिर उसके बाद पुलिस आई, इसने पकड़ा था उसने पकड़ा था, और फिर एक वर्ग उसमें से निकल के सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, दूसरा वर्ग मानवता की लड़ाई लड़ने के लिए शाहीन बाग पर बैठ जाएगा। तो उनके सारे एक एक सेगमेंट में चीजें बटी हुई हैं कि अगर कहीं दूर दराज में भी हत्या हो गई है तो वो ज्यादा नहीं पूछते, हमारा तो अपना ही हिंदू उसके बारे में नहीं बताएगा। इसलिए जैसे ही उनको खबर पता चली खट से मानवता की बात भी हो गई, इधर चेन भी हो गई, इधर चिट्ठी भी लिख दी गई, उधर अमेरिका भी चिट्ठी, ये उनका एस इकोसिस्टम है। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, आप क्या करते हैं? आपके अंदर पहले तो ये है कौन मरा है, हमारा जानने वाला है कि नहीं, हमारी जाति का है कि नहीं,
तो वो अब आप ही उसकी बड़ी खबर नहीं बनाना चाहते, आप ही उसको बताकर दुनिया को नहीं बताना चाहते, तो दुश्मन क्यों बताएगा?